हेलो एंड वेलकम टू टेक कंप्यूटर क्लासेस। मैं हूं दीपक, आपका ट्रेनर इस ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग वीडियो सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि हमने पिछले सेशन में किया था कि कलर्स, बैकग्राउंड इफेक्ट्स किस तरीके से दिया जाता है कस्टमाइज, तो आज हम सीखेंगे कि जो ये स्लाइड्स हमारी बनाई गई है, तो जब कभी भी हम उसे प्रीव्यू करते हैं तो हमें बार बार क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैंने F5 कर दिया तो इफेक्ट्स तो मैंने दे दिया है और ये मुझे बार बार स्पेस बार या क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड की ओर ले चलना पड़ता है। तो यहाँ क्लिक कर दीजिए फर्स्ट स्लाइड पे, एनिमेशन की ओर जाइए। यहाँ जो स्लाइड्स है या जो भी स्लाइड्स है, ये सब 5 स्लाइड्स है। यहाँ यदि आपको ऑटोमैटिक के ऊपर अगर करना है तो यहाँ ऑटोमैटिक पे क्लिक कर दीजिए और अप्लाई ऑल टू क्लिक कर दीजिए। तो जैसे अप्लाई ऑल टू क्लिक कर दोगे और F5 करके प्रीव्यू कीजिए, ये देखिए एकदम फास्ट रन हो रहा है, स्लाइड्स हम रीड ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ स्लाइड्स को कुछ टाइमिंग दिया जाता है, मिनट या सेकंड्स। जैसे मान लो मैं पहली जो स्लाइड सिलेक्टेड है, ये देखो ये सिलेक्टेड है, यहाँ से ये एरो है, अप एरो है, डाउन एरो है, तो यहाँ से मैं इसे 10 सेकंड, ये 5 सेकंड्स लेता हूँ। दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ 5 सेकेंड्स, फाइव सेकेंड्स। अब मैं इसे प्रीव्यू करता हूं F5 करके, ये 5 सेकेंड तक रुकी रहेगी और उसके बाद चेंज हो जाएगी। देखिए 5 सेकेंड तक रुकी है और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये जो ऑटोमैटिक हमने सिलेक्ट किया है, ये वन टाइम ही प्रीव्यू करेगा और आपको बता देगा एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। क्लिक कर देंगे हम हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्क्रीन की ओर आ जाएंगे। तो ये वन टाइम आपको डिस्प्ले करवाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये कभी इस तरीके से ऑटोमेटिक अगर देना हो तो हम इस तरीके से यहाँ से टिक मार्क एनेबल करना है, यहाँ से टाइमिंग देना है, आपको मिनट में देना है तो आप मिनट में मैन्युअली भी दे सकते हो। यहाँ से ऐसे 1 मिनट अगर कदा 1 करना है तो यहाँ से 1 कर दीजिए इस तरह से, लेकिन नॉर्मली सेकेंड्स में रखिए। मोस्ट प्रोबेबली हम इस कमांड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, ज्यादा करके ऑन माउस क्लिक ही करते हैं। अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। आपको कोई भी कमांड यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू ऑल करना जरूरी है। अब अगर आपको ये कर दिया, यहाँ से 00 कर दीजिए टिक मार्क, या तो निकाल दीजिए 00 टिक मार्क निकाल दीजिए, अप्लाई टू ऑल, इसको देखिए निकल चुका है, यहाँ से निकल चुका है। वहाँ सामने चेक कीजिए, यहाँ चेक भी करते जाना है। क्लिक कीजिए, 00 हो गया, अप्लाई टू ऑल, साइमल्टेनियसली चेक करते हैं F5 करके। अब हमें क्लिक करना पड़ेगा, अपने आप नहीं चलेगा, क्लिक कीजिए तो ही नेक्स्ट स्लाइड की ओर ले चलेगा। क्लिक कीजिए, क्लिक क्लिक, और आप एग्जिट होके पावर पॉइंट स्लाइड की ओर आ जाओगे। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस कमांड का इस्तेमाल हम प्रैक्टिकली नहीं करते इस कमांड को, पर कभी टेम्पररी अगर यदि देखना चाहो और खुद के लिए अगर कुछ टेस्ट करना हो तो ये कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ये सिखाने के पर्पस से
मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन को सिखाया ऑटोमेटिक आफ्टर का। पर मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है कि ऑन माउस क्लिक ही रहता है, तो उसे रहने दे। तो ये ऑटोमेटिक आफ्टर का जो ऑप्शन था वही मुझे आपको बताना था कि ऑटोमेटिक स्लाइड्स को टाइमिंग किस तरीके से। तो बाजू में टाइमिंग भी दिया गया है और सिर्फ टिक मार्क किया है तो फास्ट रन करेगा, तो टाइमिंग देना जरूरी है। तो ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए है ऑटोमेटिकली किस तरीके से ये रन करता है। ओके, इसे प्रैक्टिस कीजिए 4 से 5 बार और समझने की कोशिश कीजिए। एक असाइनमेंट लेके आपको काम करना है और उसी असाइनमेंट को बार बार दोहराना है, फाइल को सेव कर देना है और फिर कंटिन्यू करना है उसी असाइनमेंट के साथ। फिर मैं आपको फाइनल असाइनमेंट भी बताऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, एंड सेशन जब पावर पॉइंट का आएगा तब। ओके, हमारा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।